Hey guys, good morning and welcome back to another new vlog. तो आज है पता नहीं कितनी तारीख पता नहीं है. आज का सीन क्या है, आज का प्लान बना है कि सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं करोहानाथ मंदिर है हमारे घर के पास में ही, हमारे घर से कुछ 13 किलोमीटर दूर है. तो अपनी कार से आज हम लोग जाने वाले हैं. थोड़ा सा बारिश का मौसम है, काफी ज्यादा लग रहा है कि बारिश होगी ही होगी. खैर जो भी है, अभी मम्मी मैं और बहन हम तीनों लोग जाएंगे अपनी कार से करोहानाथ बाबा के दर्शन करने और वहाँ पर जलाभिषेक होता है शिवलिंग पर, तो वहाँ जाएंगे जलाभिषेक करेंगे. वहाँ की मान्यता मुझे क्लियर नहीं याद है, बट कहा ऐसा जाता है और मैंने सुना है ऐसा कि वहाँ पर जब क्या बोलते हैं, एक बांस की कोठी थी, जो बांस होते हैं ना, जो बांस का पेड़ होता है, वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लगा था. तो अंदर उसके बांस की कोठी के अंदर शिवलिंग था. तो शिवलिंग में सीन क्या हुआ कि कोई लकड़हारा जो कि राजा के लिए काम करता था, या लकड़हारा था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, तो भाई कोई इस पे हेट मत देना, कंफर्म नहीं है, बट हाँ जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार. तो कोई लकड़हारा था जो कि गया था बांस काटने के लिए, तो वहाँ पर उसने बांस पे जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी मारी उससे खून निकला और वो फिर वहाँ पर चेक किया एक बार, उसको हटा के देखा तो वहाँ पर एक शिवलिंग था. तो वो डर गया काफ़ी और फिर से आया गांव में, सबसे बताया. तो गांव में सब बताने के बाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, बोले कि मतलब वो लोगों से बोला कि वहाँ बांस के कोठी से वो निकल रहा है, खून निकल रहा है. और तो सब लोग दौड़ के गए, देखे तो जो शिवलिंग था उससे ही खून निकल रहा था. तो उन्होंने शंकर भगवान से, महादेव से माफ़ी मांगी कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ उसको माफ़ कर दीजिए. और इसी के बाद से वहाँ पर शिवलिंग था ही, तो अच्छे से उसकी पूजा की जानी शुरू हो गई. और धीरे धीरे जैसे ही वहाँ पर वो जगह करोहानाथ बाबा प्रचलित हुई, तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ के राजा जी थे, राजा साहब थे, उन्होंने उसको एक प्रॉपर मंदिर बनवा दिया. और वही है मंदिर जहाँ पर आज हम लोग जाने वाले हैं. और मैं जाऊँगा, मम्मी जाएंगी, बहन जाएगी. जैसे सीन क्या है कि ये लोग सावन है, सावन चला, सावन के व्रत रहते हैं, तो इसी वजह से मैं जाने वाला हूँ इन लोग को लेके. और इसी बहाने मैं कार चलाना और अच्छे सीख जाऊँगा और हाँ मैं भी महादेव के दर्शन कर लूँगा. मैं जल्दी मंदिर नहीं जाता हूँ, तो मुझे बुरा लगता है कि मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अर्ली उठ नहीं पाता हूँ और फिर उसके बाद मंदिर जाने का मन नहीं होता है, तो बुरा लगता है. लेकिन आज उठ गया हूँ टाइम से, सबको जाना था, सबको ले जाना है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ नीचे और नीचे आके मैं कपड़े पहनूंगा, तैयार हूँगा और फिर हम लोग सब लोग मिल के निकल जाएंगे सीधा यहाँ से करोहानाथ बाबा, जो कि हमारे घर से कुछ 13 किलोमीटर दूर पे है. तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ करोहानाथ बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ. मैं अंदर पे तो कोई वीडियो शायद ना रिकॉर्ड करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर छोटा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूंगा और उस पर बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा. तो जो भी है चलते हैं अभी, और मम्मी और बहन तैयार होते हैं और मैं भी जाके नहा के फटाक से तैयार हो जाता हूँ, तो चलते हैं. हम लोग एकदम फुलटू तैयार हैं, जा रहे हैं हम लोग करोहानाथ. बहन कल बोल रही थी जाने को, तो कल ही का प्लान था, लेकिन कल बारिश हो रही थी, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं गए. आज भी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी वही कार से जाना तो कोई दिक्कत है नहीं. अभी बस कुछ देर में हम लोग तैयार हो जाएंगे, मैं रेडी हूँ, सब लोग तैयार हो रहे हैं, बस निकलते हैं हम लोग यहाँ से, फिर चलते हैं वहाँ पे बाबा का आशीर्वाद लेते हैं. अभी ये लोग यहाँ पर फूल ले रहे हैं, जल ले ले बस चलते हैं. अभी हम लोग यहाँ पर महादेव की पूजा करने के बाद में बाहर आ गए हैं. ये रही हमारी बहन और पीछे आ रही हमारी माता श्री. ये रहा करोहानाथ बाबा का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है. और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और ऐसा लगता है कि ज़ोर से भी बारिश हो सकती है. खैर अभी चलते हैं यहाँ से. ये जहाँ भी जाती है अपने खाने का जुगाड़ कर लेती है, तो इसने यहाँ पर अपने लिए जलेबी ले लिया है, जो कि हम लोग भी जाके घर पर शेयर करके खा लेंगे. ये खड़ी है हमारी गाड़ी, जो कि दूर से देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बारिश में सफ़ेद सफ़ेद क्या अच्छी लग रही है गाड़ी, कुछ भी बोलो ज़बरदस्त है यार. अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, मम्मी ले रहे हैं तरोई, ये खेत से बगल से ही मिल गया तो ले रहे हैं, ताज़ा है. और ये खड़ी रही हमारी प्यारी प्यारी गाड़ी, लुक बहुत अच्छा है यार, साइड का व्यू, मतलब जो ये चीज़ है ना, ये कॉम्पैक्ट साइड, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. और ऊपर का ये कूपे डिज़ाइन अलग से ज़बरदस्त है.
इधर से ले रही है सब्जी और इधर हमारी गाड़ी ले ले, हम निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर वापस आ गए हैं घर पे और ये रही हमारी गाड़ी, ये रहा मैं। अभी मैं जलेबी लाए थे हम लोग, तो वही जलेबी खा रहा था। बाकी गाड़ी कंडीशन देखो यार, गंदी हो गई, इधर मिट्टी मिट्टी लगा। ये ठीक है यार, गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत बढ़िया रहा है, गाड़ी चलाने बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैंने चेंज कर लिया है और जो हम लोग जलेबी लेके आए थे वो जलेबी हमने खा लिया है। और इतने में ही चेंज करते करते खाते खाते अच्छे सब कुछ निकल ही रहा था, उसी के बीच में एक मेरे फ़ोन में मैसेज आता है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो देखने के बाद में आप लोग भी एकदम शॉक हो जाओगे कि ये क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दोबारा से वो चीज़ हो रही है। तो अभी मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, एक बार फिर से मेरे खाते को होल्ड कर दिया गया है या फ्रीज कर दिया गया है, हाँ फ्रीज ही कह लो, मतलब मेरे बैंक अकाउंट को एक बार फिर से फ्रीज कर दिया गया है। डियर कस्टमर, स्टॉप हैज बीन प्लेस्ड ऑन योर अकाउंट फॉर द रीजन पार्शियल स्टॉप बाय साइबर सेल। तो एक बार फिर से मेरा जो SBI का अकाउंट था वो फ्रीज हो चुका है पूरे तरीके से। अभी मैं बैंक नहीं जाऊंगा क्योंकि यार आज थोड़ा काम और है, वो काम निपटा लूंगा। अब मैं जाऊंगा कल सीधा बैंक और पता करूंगा कि क्या इशू है, क्या हो रहा है ऐसा कि बार बार हमारा अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। और एक बार मैंने फ्रीज करवाया, फिर उस पर होल्ड लगा 763 रुपये का, और एक बार फिर से फ्रीज हो गया है। तो बारी बारी ये चीज़ हो रही है। इसके वजह से जैसा कि आपको पता होगा, पिछले बार मैं काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ा था, बहुत जल्दी जल्दी मैं सब कुछ करवाया था, इस बार मैं एकदम से रिलैक्स हूँ। वजह यही है कि मैं उस अकाउंट में एक भी पैसा 0.0 रुपये उसमें पड़े हैं, मतलब मैंने सारा रुपया उसका निकाल दिया है। मैं उसमें मतलब एक रुपया भी नहीं छोड़ा हूँ यार, कि क्योंकि भाई भरोसा नहीं है कि अकाउंट ये क्या करे क्या ना करे। क्योंकि बीच में जब मैंने उस अकाउंट में अपने कुछ 4.5 लाख रुपए रख रखे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं 25,000 एक जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा था, वो हुआ ही नहीं। तो जो हमारा बैंक था उसने पेमेंट को डिक्लाइन कर दिया। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपने पापा के अकाउंट में तुरंत सारा IMPS किया और अगले दिन जा करके हम लोग गाड़ी ले आए, तो सारा पैसा यूज़ हो गया। तो इसके वजह से मेरा पैसा सारा बच चुका है और सारा मेरे पास में है, मैं उसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। और गाड़ी हमने ले ली है तो पैसा उसमें भी लग गया और कोई इशू नहीं है। बट यही है कि अकाउंट एक बार फिर से हमारा फ्रीज किया जा चुका है। अब मुझे दोबारा से बैंक जाना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि यार करने का तो मन नहीं कर रहा कि जाके मैं फ्रीज करवाऊँ, उससे जो स्टॉप लगा उसको हटवाऊँ, क्योंकि यार देखो उसमें पैसे पड़े नहीं है। जो पिछला का होल्ड लगा था 763 रुपये का, वही उसमें पड़ा है। केस सॉल्व होना नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है केस सॉल्व नहीं होता ये सब वाला। तो मैं उसमें मरूं, इससे बेटर है मैं उसको ट्रांसफ़र ही ना करूं या जो भी चीज़ें हैं उसकी उसके वैसे छोड़ दूं। लेकिन भाई वही है, एक CRPC का धारा लगता है आप पे, दैट्स वाई आपको जाके कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा कि कौन से ट्रांजेक्शन पे मेरा फिर से एक बार स्टॉप लगा है, क्योंकि वो चीज़ जानना ज़रूरी है। और आज मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि पिछली बार की तरह, जैसा कि आपको पता होगा, पहले दिन में वो लोग कोई भी डिटेल हमको नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से अभी जाने का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी वो उनके पास में कोई डिटेल आई ही नहीं होगी, कोई ईमेल आया ही नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं अभी जाने का। कल परसों में आराम से जाऊंगा, आराम से देखूंगा और एक बार फिर से अनफ्रीज करवाने की कोशिश करूंगा। अगर हुआ तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ वहीं आधार कार्ड दे के पैन कार्ड दे के मैं खाता ही बंद करवा दूंगा, कोई मतलब नहीं। वैसे होगा नहीं, क्योंकि भाई जब तक खाता होल्ड होता है, स्टॉप होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप अपने अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। लाइक आप उसको क्लोज करवाना, या मान लो अपग्रेड करवाना है, या मान लो ATM लेना है, कोई भी मतलब सर्विसेज होती है, वो सर्विस रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि अकाउंट क्लोज होगा, लेकिन हाँ एक बार जाके मैं ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ कि इस बार कौन से पे लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही 763 वाले पे वह फिर से कहते हैं इसका मतलब फिर से ये लोग होल्ड लगा दिए हैं, इसका स्टॉप लगा दिए हैं। तो वो चीज़ एक बार जाके देखूंगा। और अभी का बस यही है कि हम लोग मंदिर गए, वापस आए, और वापस आने के बाद में जलेबी खाया, मैं कपड़ा चेंज किया, इतने में मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट पे एक बार फिर से स्टॉप लगा दिया गया है। तो समझ तो आ नहीं रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। एक बारी को तो यही लग रहा है कि वही जो 763 रुपये वाला का होल्ड था, वही एक बार फिर से स्टॉप में कन्वर्ट हो गया है। और डर है नहीं, कोई चिंता है नहीं, क्योंकि उस अकाउंट में मेरे एक भी रुपये नहीं पड़े हैं। अगर रुपये पड़े होते तो भाई डर लगता, क्योंकि भाई सारे पैसे उसी में मेरे रहते थे,
लेकिन अभी सारा मैं गाड़ी में लगा दिया हूँ, तो मेरे पास में पैसे पड़े हैं नहीं, और जो पेमेंट आएगी वो वहाँ पर आएगी नहीं, मैं दूसरे बैंक अकाउंट में डलवाऊँगा और मैं एडसेंस से उस अकाउंट को भी हटा दूँगा और जहाँ तक उस अकाउंट को भी क्लोज़ कर दूँगा। तो जो भी है यही है, और आज का प्लान अब बस ये है कि खाऊंगा, सोऊंगा और काम करना है तीन चार काम करूंगा। तो वीडियोस काफ़ी सारी हैं आज, आई लाइनअप में तीन वीडियोस हैं जिसमें एक शॉर्ट्स रहेगा और दो लॉन्ग वीडियोस रहेंगे जो कि प्रॉपर इंग्लिश में होती है। तो वो तीनों वीडियोस एडिट करूंगा और थंबनेल उसके बनाने रहते हैं, तो वो सारा काम आज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही था, एक बार फिर से मेरा खाता फ्रीज हो चुका है और देखते हैं इस बार क्या होता है। अभी हो रहा है शाम का टाइम और बज रहे हैं शाम के 6। आप लोग यहाँ पर मौसम देख सकते हो, मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रखा है। आप लोग चारों तरफ देखो तो चारों तरफ यहाँ पे काले काले बादल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये देखो चारों तरफ काले काले बादल। खैर बादलों का क्या करना है, अभी मैं सारा काम निपटाने के बाद आके बैठ गया हूँ यहाँ पर और अकाउंट अनफ्रीज मैं कराने कल जाऊंगा, उसके डिटेल लेने कल जाऊंगा। आज सारा काम था तो काम लाइनअप पे था तो वो सब करना था, दैट्स वाई मैं आज काफ़ी ज़्यादा बिजी था। अभी काम सारा निपटा दिया हूँ, अब कल मैं जाऊंगा बैंक और बैंक वहाँ पे बात करूंगा उनसे, देखूँ क्या सीन है क्या नहीं है, अगर अनफ्रीज होना होगा तो होगा, वरना मैं छोड़ छाड़ चलाऊँगा यार, ज़्यादा लोड नहीं लेना इस बार। और अगर आप में से किसी का भी खाता होल्ड हुआ हो तो आप मेरी जा करके तीन वीडियोज़ देख लेना जो कि एक सीरीज़ में मैंने निकाली थी, उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जा करके वो देख लेना, आप लोग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और बस यार यही है इस व्लॉग में इतना ही। आज हम लोग मंदिर गए, मंदिर से आके जलेबी वलेबी खाए थे, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप लग गया, दिमाग तो ख़राब हुआ, लेकिन वही है काम करना था, सारा काम निपटा लिया हूँ। अब शाम हो गई है तो बैठा हूँ, अब रात में अगर कुछ काम होगा तो करूँगा, थंबनेल में लगाना है, बाकी सारा काम ऑलमोस्ट निपटा चुका हूँ। अभी का प्लान बस यही है कि आराम से कुछ देर शांति से यहाँ बैठूंगा और उसके बाद फिर काम करके सो जाऊंगा। तो बस यार इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, मेरे डेली ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड यस गाइस, आप लोग अगर चाहो तो हमारी फ्रॉन्स का मैंने अभी नाम नहीं रखा है, हाँ मेरी बहन ने सजेस्ट किया बीस्ट, तो वो बीस्ट नाम अगर हम लोग रख सकते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। और बस यार इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।